हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। आज मैं ये बहुत इजी सी और 15 मिनट्स केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत चॉकलेटी और बहुत मॉइस्ट बनता है और बहुत झटपट बन जाता है, तो फिर इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है एक और आधा कप, मीन्स 1.5 कप। फिर यहाँ पे कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे डच कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप। ये डार्क होता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। फिर यहाँ पे मैं चीनी शुगर ऐड कर रही हूँ, पाउडर शुगर ऐड करूँगी और 1 कप ऐड कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं 1 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप। कुकिंग ऑयल है जिसमें ना कोई स्मेल होती है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, क्वांटिटी मेंशन है। फिर यहाँ पे मैं 1 एग ऐड कर रही हूँ और फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी बीटर से। हमने बैटर को ज़्यादा बीट नहीं करना है, वरना जो उसका टेक्सचर है जब केक बेक होगा वो ब्रेड की फॉर्म में आ जाएगा, वो केक ही नहीं रहेगा। इसलिए हमने 1-2 मिनट सिर्फ बीट करना है, वो भी मीडियम स्पीड पर, हाई स्पीड पर नहीं। फिर यहाँ पे मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे 1/2 कप। इससे केक बहुत सॉफ्ट और शाइनिंग बहुत आती है केक में, और केक बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। केक का बैटर यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम अपना जो नॉनस्टिक पैन होता है जिसमें हम फ्राइंग वगैरह करते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। हम मोल्ड्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये केक की जो रेसिपी बहुत इजी और झटपट बन जाने वाली है। यहाँ पे मैं अपने पैन को ग्रीस कर लूँगी ऑयल से और बटर पेपर सेट करूँगी। बैटर हम अपने पैन में पूरा पोर कर देंगे, पूरा डाल देंगे और एक दफ़ा हम उसको टैप कर देंगे ताकि उसकी जो अंदर की एयर है वो सारी निकल आए। और बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको बेक करना है, वरना जल सकता है। और 15 मिनट्स में ये कम्प्लीटली तैयार हो गया था केक, एज़ यू कैन सी। इसको हम ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए या 30 मिनट्स के लिए काउंटर पर ही छोड़ेंगे। और इसकी हम चॉकलेट सॉस बना लेंगे एक पैन में। यहाँ पर मैंने 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। फिर यहाँ पे 1/4 कप डार्क चॉकलेट के ऐड कर रही हूँ और दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैं लो फ्लेम पे मेल्ट होने दूंगी। और एक अच्छी सी चॉकलेट सॉस और चॉकलेट गनाश हम प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चॉकलेट सॉस कम्प्लीटली तैयार है। अब इसको हम असाइड करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो केक है वो डिमोल्ड करेंगे, बटर पेपर निकालेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बेक हुआ है और नीचे से जला भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको बेक करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट पैन को जो है ना चूल्हे पे रखना है। फिर जो चॉकलेट सॉस हमने प्रिपेयर की थी वो ऊपर से हम अप्लाई कर देंगे, पोर कर देंगे और अच्छे से उसको स्प्रेड आउट करेंगे और इवन कर देंगे सारी जगहों से। फिर यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट ग्रेट कर ली थी, ऊपर से मैं वो ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े का एक टेस्ट फ्लेवर आता है। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो चॉकलेट ग्रेट करके आप लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं, वरना वो मेल्ट हो सकती है। देन मैं यहाँ पे चेरीज ऐड कर रही हूँ और हमारा मज़ेदार सा 15 मिनट्स केक इज़ कम्प्लीटली रेडी। ये केक बहुत झटपट बन जाता है। ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। और मुझे तकरीबन 15 मिनट्स लगे हार्डली इसको बेक करने में और चॉकलेट सॉस बनाने में। दिस केक इज़ परफेक्ट टू फुलफिल योर क्रेविंग। एज यू कैन सी कितना मॉइस्ट और चॉकलेटी ये केक बना है। होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी एंड गिव माई वीडियो ह्यूज थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिए, और वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, रील्स शेयर करती हूँ। दिस रेसिपी इज़ टॉप नॉच, डू ट्राई इट एट योर होम। सो सी यू गाइज सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।